नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कहलगांव में 14 और सुल्तानगंज में 13 प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी चुनाव की तैयारियों की जानकारी। कहलगांव में सड़क किनारे बने गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की हुई मौत। इलाके में पसरा मातम। चुनाव को लेकर चलाया गया सघन तलाशी अभियान। ऑटो से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने चुनावी सभा को किया संबोधित। प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मांगा वोट। और टीएमयू के पीजी संस्कृत विभाग में सेमिनार का हुआ आयोजन। कुलपति ने कहा, संस्कृत है सभी भाषाओं की जननी। समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को भागलपुर समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से पहले चरण में 28 अक्टूबर को होने वाले कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा चुनाव से संबंधित जानकारी साझा की। साथ ही चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने की जानकारी दी। डीएम ने कहा कि नाम वापसी के बाद कहलगांव विधानसभा से कुल 14 और सुल्तानगंज विधानसभा से 13 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में दिखाई देंगे। डीएम ने चुनाव कार्य और प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क एवं प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने के सवाल पर कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर कोविड-19 का पालन सुनिश्चित तौर पर कराया जाएगा और जो भी आचार संहिता और कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान डीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में 54 नाका बनाया गया है, जबकि वाहन चेकिंग के माध्यम से शराब एवं आपराधिक गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। तो विधानसभा क्षेत्र में नाम वापसी की प्रक्रिया के पश्चात अंतिम रूप से जो कैंडिडेट्स उपलब्ध हैं इस निर्वाचन प्रक्रिया के लिए वो फाइनल हो गया है। इसको लेकर के आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आपको मैं बता दूं कि कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में अब अंतिम रूप से कुल 14 कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच ये मतदान का कार्य संपन्न होना है। इनमें से 4 कैंडिडेट्स मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी हैं। इसके अतिरिक्त 6 कैंडिडेट्स हैं जो कि रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी हैं और 4 कैंडिडेट अन्य अभ्यर्थी हैं जो निर्दलीय हैं। भागलपुर बुद्धूचक थाना क्षेत्र के किशनदासपुर गांव में सड़क किनारे बने गड्ढे में डूबने से 3 मासूम की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि तीनों बच्चे शाम से ही गायब थे। परिजनों द्वारा खोजबीन के बाद देर रात तीनों का शव सड़क किनारे गड्ढे से बाहर निकाला गया। सभी मासूम पीरपैती के रानी दियारा के रहने वाले हैं और बाढ़ के कारण किशनदासपुर के पास रेलवे की जमीन पर विस्थापित परिवार के बच्चे हैं। हालांकि परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही बुद्धूचक पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पीरपैती के निवर्तमान विधायक रामविलास पासवान एवं भाजपा प्रत्याशी ललन कुमार पासवान मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें हिम्मत दिया। मृतकों की पहचान कटाव पीड़ित गणपत पासवान के 13 वर्षीय पुत्र अनिक कुमार, दिलीप पासवान के 6 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार और साहिंद्र पासवान के 8 वर्षीय पुत्र छोटका के रूप में हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है। अपराधियों की गिरफ्तारी, शराब तस्करी एवं ब्लैक मनी के आवागमन पर रोकथाम लगाने के लिए लगातार तलाशी अभियान चलाई जा रही है। इसी कड़ी में बीएसएफ और गोराडी पुलिस ने भागलपुर गोराडी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोराडी चौक पर वाहन चेकिंग कर गुप्त सूचना के आधार पर पिकअप वैन से विभिन्न ब्रांड का 51 पेटी विदेशी शराब बरामद किया है। मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी निशार अहमद शाह ने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर अनुमंडल क्षेत्र में जगह जगह चेक पोस्ट बनाया गया है। चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन से शराब लोड कर गोड्डा से बाईपास ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पिकअप वैन को तलाशी के लिए रोका गया और उसके अंदर से 51 पेटी विभिन्न ब्रांड का विदेशी शराब बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने बांका अमरपुर निवासी वाहन चालक पवन यादव सहित एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है और उससे गहराई से पूछताछ कर रही है। साथ ही वाहन को जब्त कर वाहन मालिक के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। भागलपुर गोराडी प्रखंड के विरनौद गांव के कंझिया हाई स्कूल में भाजपा के उम्मीदवार पवन यादव को चुनाव में समर्थन देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने प्रखंड की जनता से पवन यादव को वोट देने की अपील की।
साथ ही क्षेत्र में विकास का दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पर यकीन रखती है, इसीलिए जनता को पार्टी पर भरोसा कर पवन यादव को अपने कीमती मतों से विजयी बनाना चाहिए। मौके पर कहलगांव विधानसभा प्रभारी विजय कुशवाहा, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार तांती, इंजीनियर श्रीकांत लालू यादव, इंजीनियर श्रवेश यादव एवं भाजपा और जदयू के हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी संस्कृत विभाग में टूकन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहयोग से दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन सोमवार को हुआ। सेमिनार का शुभारंभ टीएमबीयू के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, प्रॉक्टर प्रोफेसर राम सेवक सिंह, विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर मोहन मिश्र समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों का बुके देकर स्वागत किया। इसके पूर्व छात्र छात्राओं ने कुलगीत एवं राष्ट्रगान की शानदार प्रस्तुति दी। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि जिस प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था वह समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से समुन्नत एवं उत्कृष्ट थी, लेकिन कालांतर में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ह्रास हुआ। कुलपति ने बताया कि विदेशियों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उस अनुपात में विकसित नहीं किया जिस अनुपात में होना चाहिए था। भारत में वैदिक, मध्यकाल और वर्तमान नई शिक्षा नीति विषय पर आयोजित सेमिनार में कई विद्वानों ने अपनी बात रखी। मौके पर पीजी संस्कृत विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मीश्वर झा, डॉक्टर जुलेखा देवी, डॉक्टर एम जेड खानम, डॉक्टर केतन कुमार मिश्रा, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, प्रमोद कुमार समेत कई शिक्षक, शोधार्थी और छात्र छात्रा उपस्थित थे। आज की संगोष्ठी का उद्देश्य है कि वैदिक काल से लेकर के वर्तमान युग तक शिक्षा नीति जो विश्व 20 है, नई शिक्षा नीति, इसके बदलाव का क्या प्रभाव है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। वैदिक काल से हमारी शुरुआत होती है, तो वैदिक काल में दो काल होता है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वेद से लेकर के फिर मध्य काल आते हैं, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय 200 ईपू से लेकर के 500 ईपू तक है। टीएमबीयू के पीजी संस्कृत विभाग में आज से दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अजय कुमार सिंह सर के द्वारा हुआ है। और इसका जो थीम है वो है वैदिक काल और मध्यकाल तथा वर्तमान भारतीय शिक्षा नीति विश्व 20 के बदलते प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में है कि वैदिक काल में शिक्षा नीति हमारी कैसी थी, मध्यकाल में शिक्षा नीति भारत की कैसी रही है और जो न्यू इंडियन पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, वो हमारा कैसा है, इसके बीच में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर से चुनावी मैदान में उतरने के लिए सोमवार को 6 प्रत्याशियों ने एनआर कटाया, जबकि 3 उम्मीदवारों ने निर्वाची सदर अनुमंडल पदाधिकारी आशीष नारायण के कार्यालय में नामांकन कराया। नेशनल टाइगर पार्टी से सुबोध मंडल, SUCI से रवि कुमार सिंह और भारतीय दलित पार्टी से नीलू देवी ने पर्चा दाखिल किया। वहीं नाथनगर से चुनाव लड़ने के लिए 10 प्रत्याशियों ने नजारत रसीद कटाई, जबकि भारतीय जनक्रांति दल के पवन कुमार ने नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह ADM राजेश झा राजा के चैम्बर में नामांकन पर्चा दाखिल किया। निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि 16 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तिथि है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950।
अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी और शराब माफियाओं पर नकेल कसने का दावा तो खूब करते हैं, लेकिन सत्ताधारी जदयू के नेता ही शराबबंदी कानून का मखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बांका के अमरपुर प्रखंड का है, जहां जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष पंकज कुमार राय के घर से पुलिस ने 5 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। पंकज राय को पार्टी ने बीते मार्च माह में प्रखंड अध्यक्ष के पद से हटा दिया था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पंकज राय अभी भी सक्रिय हैं और उन्हें अमरपुर विधानसभा से वर्तमान जदयू प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक जनार्दन मांझी के पुत्र जयंत राज का करीबी भी माना जाता है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्र ने उत्पाद निरीक्षक प्रमोद कुमार मंडल के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसके बाद टीम इंग्लिश गांव पहुंची और छापेमारी कर जदयू नेता पंकज कुमार राय के घर से 750 ml की 3 और 375 ml की 2 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि चुनाव और शराबबंदी कानून के तहत शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी का ढिंढोरा पीटने वाले नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के कार्यकर्ता ही जब शराबबंदी कानून का पालन नहीं करते हैं तो दूसरों से कानून का पालन कैसे करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष रोहित पांडे की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच का संचालन भागलपुर विधानसभा प्रभारी अभय घोष सोनू ने किया। वहीं मुख्य अतिथि राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने कार्यकर्ताओं को तन मन से चुनावी मैदान में खुलकर कार्य करने का आग्रह किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रोहित पांडे का विजय माला पहनाकर स्वागत किया। रोहित पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि यह पार्टी में ही संभव है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को पार्टी प्रत्याशी बना देती है। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता हरिवंश मणि, पूर्व जिलाध्यक्ष नभय कुमार चौधरी, सज्जन अवस्थी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अजीत गुप्ता, इम्तियाज खान समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। रूप से ऐसे इस एनडीए के शासनकाल में कई काम हुए हैं, लेकिन कई काम होने बाकी भी रह गए हैं। आप अगर पहले की स्थिति देखेंगे और अब की स्थिति देखेंगे तो बहुत चीज़ अंतर आपको दिखेगा, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि अभी होने बाकी हैं। जैसा कि आपने बताया कि भोलानाथ पुल का समस्या, ड्रेनेज का समस्या और भी ऐसे कई विषय हैं जो जाम की जो समस्या है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ के निवासी हैं, हम लोग भी सभी समस्याओं से रूबरू होते हैं, लेकिन हम लोग इस पर ठीक करने का काम हम सभी लोग।
भागलपुर नाथनगर के शाहजंगी पंचायत वार्ड नंबर 1 में जनता का जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। पानी की किल्लत से परेशान स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना की शुरुआत पानी की समस्या से निपटने के लिए की गई थी, पर सरकारी अधिकारी एवं ठेकेदार द्वारा लूट खसोट किए जाने के कारण वार्ड 1 की जनता आज भी पानी की समस्या से जूझ रही है। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने पानी एवं सड़क की मांग करते हुए कहा कि यदि सरकार का यही रवैया रहा तो पूरे पंचायत की जनता चुनाव में वोट का बहिष्कार करेगी। बता दें कि वार्ड में 6 महीने से पानी की समस्या है और पीएचडी विभाग के अधिकारियों को इसकी कई बार सूचना देने के बावजूद अधिकारी मामले में अनदेखी कर रहे हैं। वहीं अब देखना यह होगा कि पानी के लिए परेशान मासूम जनता की समस्या दूर होती है या अधिकारी चुनाव की सरगर्मी में इनकी समस्या को अनदेखी कर देते हैं। ये है कि लगभग 4-5 महीना से बोरिंग बंद है। अच्छा। बोरिंग पानी में जो है बालू मिट्टी आता है, इसीलिए बंद है। ठेकेदार को बहुत बार बोले, सुपरवाइजर को बोले, अंकज ठेकेदार है, मुन्ना सुपरवाइजर है, बोले उसको ठीक करने के लिए, बोलता है कर देंगे लेकिन करता नहीं है। कि जो भी सामान इसमें लगा हुआ है सब घटिया स्तर का सामान लगा हुआ है, बराबर खराब होते रहता है। जब हम कंपनी को फोन करते हैं तो वो सुनता नहीं है, आता है ठीक ठाक करके और ग्रामीण ही चंदा करके वो ठीक करा लेता। बदरे आलमपुर ये ग्राम है, शाहजंगी पंचायत के अंतर्गत आती है, 1 नंबर वार्ड है। 7 निश्चय योजना के तहत ये पेयजल का नीतीश कुमार ने जो घोषणा किया था एकदम इसमें करप्ट है, जिसको भ्रष्टाचार बोला जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में नाथनगर की सीट पर राजद के टिकट से चुनाव लड़ने का मन बना बैठे राजद नेता सह समाज सेवी डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने राजद से नाता तोड़ दिया है। भागलपुर के नाथनगर से राजद का टिकट नहीं मिलने के बाद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और अब डॉक्टर अशोक कुमार आलोक नाथनगर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के संयुक्त प्रेस वार्ता में उन्होंने राजद की ओर से चयनित उम्मीदवार पर सवाल खड़ा किया है। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने भारी मतों से जीत का दावा किया। सत्य बात यही है कि मैंने आरजेडी का दामन नहीं छोड़ा। आरजेडी में मैं पिछले लगातार 8 महीने से वर्क कर रहा था और ये लोगों को पता भी होगा कि 8 माह के पहले भी समाज से मेरा रिश्ता रहा है, मेरा नाता रहा है, सभी भली भांति उसको जानते हैं। मैं नाथनगर का जिला पार्षद भी हूं और बखूबी अंजाम देता हूं। भागलपुर जिला के किसी भी लड़ाई को मैं मजबूती के साथ लड़ता हूं और ये विश्वास दिला करके मुझे माननीय तेजस्वी जी से मिलाया गया। भागलपुर के जो पूर्व सांसद बोले मंडल जी हैं, उन्होंने तेजस्वी जी से मिलाया कि नाथनगर 6 बार लगातार हम लोग हार चुके हैं और इस बार आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन एन वक्त पर पटना बुला करके 1 बजे रात में मुझे फोन पर बताया गया। मैं तेजस्वी जी के आवास पर बाहर में था और मुझे 1 बजे रात को बताया गया कि आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है, एक बार फिर से ये मुसलमान का सीट हो गया है। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण में मंजूषा कलाकार पूनम कुमारी की ओर से सोमवार को गरीब एवं जरूरतमंदों के बीच मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान मंदिर के आसपास रहने वाले बच्चों एवं दुकानदारों को मास्क देकर कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया गया। पूनम कुमारी ने कहा कि इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, यही कारण है कि सभी को बचाव के लिए जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। बता दें कि इससे पूर्व भी मंजूषा कलाकार पूनम कुमारी ने मास्क पर मंजूषा पेंटिंग बनाकर लोगों के बीच वितरित किया था, जिससे अंग की पहचान मंजूषा कला से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ा जा सके। भागलपुर सुल्तानगंज बाईपास रोड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कार्यालय का उद्घाटन जदयू प्रत्याशी ललित कुमार मंडल ने किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हुआ। वहीं टिकट से बेदखल हुए वर्तमान विधायक सुबोध राय की अनुपस्थिति ने पार्टी के अंदर की कलह को उजागर कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची लगातार जारी कर रही है। इसी क्रम में जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सोमवार को भागलपुर जिला के नाथनगर विधानसभा के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। पप्पू यादव ने नाथनगर से जफर मुस्तफा को टिकट दिया है। हम आपको बता दें कि जफर मुस्तफा जन अधिकार पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी हैं। वहीं जन अधिकार पार्टी से टिकट मिलने के बाद जफर मुस्तफा ने पप्पू यादव का आभार व्यक्त किया, साथ ही कहा कि नाथनगर की जनता अगर उन्हें चुनाव में विजयी बनाती है तो सबसे पहले बुनकरों की समस्या का समाधान किया जाएगा। इधर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष को नाथनगर से टिकट मिलने पर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव रागी भसन एवं जिलाध्यक्ष नीरज कुमार समेत कई नेता और कार्यकर्ताओं ने बधाई दी।
28 नवंबर को पहले चरण के तहत भागलपुर जिले के कहलगांव और सुल्तानगंज में मतदान होगा, जिसको लेकर प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सोमवार को जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी पंकज कुमार ने सुल्तानगंज विधानसभा के शाकुन प्रखंड के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान पंकज कुमार ने ग्रामीणों और किसानों से बात कर उनको हो रही समस्याओं की जानकारी ली और समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाने के लिए प्रयास करने की बात कही। इस दौरान अमरेंद्र कुमार, पीयूष कुमार, श्रीराम यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कहलगांव में 14 और सुल्तानगंज में 13 प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी चुनाव की तैयारियों की जानकारी। कहलगांव में सड़क किनारे बने गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की हुई मौत, इलाके में पसरा मातम। चुनाव को लेकर चलाया गया सघन तलाशी अभियान, ऑटो से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने चुनावी सभा को किया संबोधित, प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मांगा वोट। और डीएमयू के पीजी संस्कृत विभाग में सेमिनार का हुआ आयोजन, कुलपति ने कहा संस्कृत है सभी भाषाओं की जननी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।